दोस्तों, ये साल तो आपका किसी तरह दुख दर्द संकटों से घिरा हुआ बीतता चला गया और अब नए साल यानी कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि ये आने वाला साल आपके पिछले साल से बेहतर हो? दोस्तों, आपने जो भी गोल डिसाइड किए हुए हैं तरक्की के लिए, जो भी स्टेप बाय स्टेप आपने एक ग्राफ तैयार किया है उसमें आपको सक्सेस मिले, तो आपको 31 तारीख यानी कि 31 दिसंबर के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेना है ताकि आपका ये आने वाला साल बेहतर बने, क्योंकि 31 दिसंबर ही वो दिन होता है जब पिछले साल से आप नए साल में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए 31 दिसंबर की रात इस छोटे से उपाय को करके आपका करोड़पति से करोड़पति बनने का जो सफर है उसे तुरंत ही पार कर सकते हैं। दोस्तों, एक तारीख लगने ही वाली होती है, तभी आपको इस उपाय को कर लेना है और जैसे ही आप नए साल में प्रवेश करेंगे ये उपाय काम करना शुरू कर देता है। मेरे साथियों, यह बिल्कुल सटीक उपाय है। यहाँ तो मैं 99% नहीं कहूँगी लेकिन पूरा 100% आपको सटीक उपाय बता रही हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमारे चैनल पर आपको वही उपाय बताए जाते हैं जो पहले से ही लाभान्वित हैं, क्योंकि कई लोगों ने इन उपायों को करके अपने जीवन को एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा को बनाया है। तो मेरे साथियों, आप भी 31 तारीख को इस छोटे से उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा और रात्रि के समय में इस उपाय को आपको करना है यानी कि 31 दिसंबर की शाम को, क्योंकि अगली जो सुबह, अगला जो नया सूर्योदय आप जो देखेंगे वो होगा नए साल का यानी कि साल 2024 का। और आप अगर चाहते हैं कि साल 2024 एक इतिहास रच दें, आपकी तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें, तो इस छोटे से उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 31 दिसंबर की वो चमत्कारी रात हर साल साल में एक बार ही आती है जो फिर कभी नहीं आती है। इसलिए दोस्तों, छोटा सा उपाय करके आप अपने पूरे साल को उज्जवल बना सकते हैं, तो क्यों ना 2 मिनट का समय निकालकर इस उपाय को कर लिया जाए। तो ध्यान से सुनिए, बताने जा रही हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो देखिए, सूर्यास्त के बाद आपको स्नान करना और फिर इसके बाद आपको पहनने होंगे पीले कपड़े, या तो आप लाल रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो रंग हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला रंग है, ये उनका प्रिय रंग है। तो अब आपको अपने घर के पूजा घर में चले जाना है, जहाँ भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपने प्रतिमा रखी है वहीं पर आपको जाकर बैठना है। अब आपको एक 500 रुपये का नोट लेना है, लेकिन दोस्तों 500 का अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 100-100 रुपए का नोट हो तो वो आपको रख लेना है, लेकिन ध्यान रखें कि 100 रुपए से कम का नोट नहीं लेना है। अब आपको हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिलता है, पाउडर में मिलता है तो भी कोई बात नहीं। आपको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में हल्दी बहुत ही पवित्र माना जाता है और हल्दी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में भी इस्तेमाल हमेशा से ही किया जा रहा है। तो अब आपने जो नोट लिया है उसके ऊपर आपको हल्दी को रख देना है, पाउडर में है तो छुटकी भर रख दीजिए, और अगर गांठ आपको मिल जाती है तो एक गांठ आपको रख देनी है, लेकिन आपको अपने पूजा घर में ही बैठे रहना है वहीं पर, और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ही आपको एक घी का दीपक जलाना है। मेरे साथियों, यह उपाय ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गलती मत कीजिएगा क्योंकि 31 दिसंबर मात्र एक दिन है, क्योंकि नया सूर्यास्त के बाद अब आप नए साल में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ों को आपको अपने हाथों में पकड़ लेना है, जो आपने नोट लिया है और हल्दी को लिया है उसको। तो अब आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि ये मंत्र भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का ही अत्यंत प्रिय मंत्र है। बीज मंत्र ध्यान से सुनिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, बहुत ही आसान सा मंत्र है। दोस्तों, बीज मंत्र वो होता है जो तुरंत ही सिद्ध कर देता है। अब हम फिर क्या करेंगे, इस मंत्र को 11 बार रिपीट करेंगे, अर्थात टोटल 11 बार इस मंत्र को आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलने के बाद आपको एक मौली धागा लेना है, फिर मौली धागे को इसी नोट के ऊपर आपको अच्छे तरीके से बांधना है। दोस्तों, इस नोट के अंदर हल्दी आ जाए इस तरीके से आपको बांधना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस नोट को आपको अपने आलमारी या तिजोरी में रख देना है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि कभी भी इस नोट को आपको खर्च नहीं करना है, क्योंकि इस मंत्र से जो ये नोट हैं वो अब अभिमंत्रित हो चुका है, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि हम कमाते कितना भी है लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है।
तो आखिर कैसे आपके घर में तरक्की होगी, कैसे परिवार आगे बढ़ेगा? सिर्फ जरूरतें पूरे करने में ही आपका पैसा खर्च हो जा रहा है, तो आपको चाहिए एक ऐसा उपाय जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा टिकी रहें। क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, इसी वजह से माता लक्ष्मी कभी किसी एक घर में नहीं टिक पाती है। आपको यही उपाय करना है ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में ही पूरे साल टिकी रहेंगी, जिससे जो नया साल में कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं हो पाएगी। बीमारी या फिर अलग अलग कई सारी चीजों में हमारा पैसा अनाप शनाप तरीके से खर्च हो जाता है, तो उन चीजों पर तो रोक लगेंगी ही, साथ ही साथ तरक्की के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करके आप जिस जगह अपना हाथ रखेंगे वहीं पर आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो नया साल है, यह एक तरक्की का नया एक अध्याय लिखेगा आपके जीवन में कि आप कभी इस नए साल को भूल नहीं पाएंगे। देखिए, हल्दी का जो काम है वो यही है कि आपके जीवन में हर प्रकार के दोष को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन संबंधी जो परेशानियां आ रही थीं वो वहीं पर रुक जाती है। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस छोटे से उपाय को करने से आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को पा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा पुण्य सात जन्मों तक काम आता है। और मेरे प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।